नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि मैंने पहले स्कर्ट बनाई थी, अब उसके ऊपर मैंने टॉप बनाई है। ये देखो, पीछे से हाँ मैंने एक बटन लगाया है। अच्छा, पूरा वी कलर डिजाइनर बनाई है। ये देखो, नीचे फ्रिल जहाँ मैंने रिबन लगाकर जहाँ बटन लगा दिया, मोती लगाया मैंने। पहले हमने ये स्कर्ट बनाई थी, स्कर्ट के मैंने यहाँ भी क्रोशिया कर दिया। अब इसके साथ मैंने ये टॉप बनाई है, होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। ये दो एक 1.5 से 2 साल के 2-2.5 साल के बच्चे के लिए है, जो तुरता तुरंत लगता है ना बच्चा, तब डालनी अच्छी लगती है स्कर्ट वगैरह। चलो आपको मैं बनाना सिखाती हूँ, बहुत सरल है। पीछे से ऐसे आएगा वी, आप नीचे वाइट कलर की स्कीवी डाल के ऊपर ये डालना, बहुत अच्छा लगेगा। नीचे मैंने सारी क्रोशिया के साथ किया है, आप चाहो करो, आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते। जहाँ मैंने सब क्रोशिया किया पूरा का पूरा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जी मैंने 240 फंदे डाल के थल्ले फ्रिल जी बना ली है। अब हमने क्या करना है, दो फंदों का एक करते जाना। दो सौ चालीस फंदे थे, अब इसके आधे 120 रह जाएंगे। जिस आगे वाला पीछे वाला हिस्सा दोनों इकट्ठे ही है बनाने। ऐसे आपने पूरे अब हमने आगे हमने सीधा उल्टा बुना था। ये देखो, सीधा उल्टा, ये मैंने कितनी सिलाई डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी डाली है। उसके ऊपर हमने अब सीधा सीधा बुनना है, सीधा उल्टा नहीं बुनना, सीधा सीधा बुनना है। ऐसे पूरा आपने सारे फंदे दो के एक करते जाना। ऐसे आप पूरा ऐसे कर लो, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो, 240 फंदे थे, अब हमारे आधे 120 फंदे हो गए। उसमें हमारे 60 आगे 60 पीछे, 60 60, ये हमने 30 फंदे मैंने बुन लिए। ये हमारे पीछे वाला का आधा हिस्सा बुनेंगे, ये 30 फंदे हमारे। ये देखो, ये मैंने 4 सिलाइयाँ पूरियाँ चढ़ा लिया दोनों पूरे पूरी सिलाइयाँ में। अब हमने 30 फंदे हमने पीछे वाले हिस्सा पहला बुनाएंगे हम, पीछे वाले हिस्से का ये 30 फंदे हमने वक्रे कर लिए, 30 फंदे ही हमने बुनने हैं। ये देखो, 30 फंदे मैंने एक सीधी सिलाई चढ़ा ली। अब क्या करना, अब यहाँ हमने दो का एक करना, दो का एक करके बाकी सिलाई सारी सीधी।
हर सिलाई फंदा नहीं कटाना, चौथी सिलाई फंदा कटाना हमने। एक फंदा हमने कटा लिया, एक सीधी सीधी उल्टी सीधी उल्टी हम डाल लेंगे, उसके बाद फिर एक फंदा हमने यहाँ दो का एक करना। अब इसने फंदे ही हमने बुनने हैं। पहले हमने एक फंदा इतने कटाया सी, हम ऐसे और एक सिलाई वैसे डाल लेनी है। उस तो अगली सिलाई में फिर हम फंदा एक, चौथी चौथी सिलाई में आप एक फंदा इस साइड में कटाना है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर वाले साइड में। ये गला, गले की शेप बन रही है, हमारा गला वी गला बनना हमारा। सीधी सिलाई आ गई सीधी। अब हमने एक फंदा इधर से जाते हुए कटा के जाएंगे, चौथी चौथी सिलाई में आपने यह फंदा एक कटाना है। अब हमने फंदा यहाँ कटाएंगे, दो का एक कर देंगे। हर सिलाई नहीं कटाना, चौथी सिलाई भी आपने कटाना है। थोड़ा सा बनाकर आपको फिर मैं आगे दिखाती हूँ कैसे करना, थोड़ा सा आगे बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना मैंने बना लिया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सात फंदे हमने इधर गले की शेप कटा दिए, और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमने ये सिलाई है। अब हमने मुंड की कटिंग करनी है। तीन दो एक ही, एक दो और तीन, तीन फंदे हमने कटा दिए। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में तो हमने जैसे बना पहले कटिंग की है, एक चौथी सिलाई में, चौथी सिलाई में हमने दो का एक करना, दो का एक कर दिया।
अब हमने दो, पहले तीन किए, अब हमने दो करने हैं। एक और दो, उल्टी सिलाई। अब हमने एक फंदा कटाना, तीन दो एक की हो गए। अब हमें इधर भी दो का एक करना। अब हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 16 फंदे हैं हमारे। अब दो फंदे और कटाएंगे तो फिर बाकी एक दो तीन चार पाँच छः सात 14 फंदे हम रख लेंगे, बाकी सिंपल बनाएंगे। फिर आपको बना के मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो मेरा पूरा तैयार हो गया। जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है गले की, और उसके बाद मैंने इतना इतना ऊपर बनाया है। कुल मैंने बता देती हूँ कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात 14 फंदे मैंने ऊपर रखे हैं। जब तक 14 फंदे नहीं होते थे तब तक हमने गले की कटिंग करते जाना है। जब 14 फंदे हो जाए फिर कटिंग करनी बंद। 14 फंदे तो बाद मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मैंने ये डाली है। देखो ये पूरा होने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे, ये पीछे वाला हिस्सा, और साथ में हम आगे वाला हिस्सा भी बनाएंगे। ये देखो पीछे वाला जैसे हमने ये कटिंग डाल ली है ना, ऐसी हम इधर भी डाल देंगे। ये देखो स्टार्टिंग में दो का एक, चौथी चौथी सिलाई में जैसे हमने कटिंग की ना पीछे वाली, ये वाली ऐसी करेंगे। जहाँ तक मुंडे की कटिंग नहीं करते उतनी देर तक हम पीछे वाला आगे वाला हिस्सा भी साथ साथ ही बुन लेंगे। उसके बाद दोनों आधे आधे फंदे कर लेंगे। ऐसे आप पूरा ऐसे बना लो, चौथी चौथी सिलाई में ये कटिंग करते जाना आप, और यहाँ तक आप मुंडे की कटिंग तक
आप पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा दोनों इकट्ठे बनाते जाओ। उसकी मुंडे की कटिंग में हम दोनों अलग अलग फंदे कर लेंगे, आगे वाला वक्रा और पीछे वाला वक्रा। सीधी सीधी सिलाई आप पूरी ऐसे चढ़ा लो। थोड़ा बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये तो हमारा बन गया था और दूसरा भी हमारा इतना मुंडे की कटिंग तक, जितना हमने मुंडे की कटिंग तक इसे बना लिया। अब आगे वाले फंदे हमने छोड़ दिए, 60 फंदे हमने छोड़ दिए, बाकी फंदे हमने इधर सिलाई में कर लिए। अब यहाँ भी हम मुंडे की कटिंग करेंगे जैसे हमने उधर की ना, 3 2 1 की, 2 और 3। अब आगे वाले हिस्से के हम फंदे नहीं बुनेंगे, अब पीछे वाला ही हम पूरा तैयार करेंगे। पहले जी उल्टी सिलाई में हमने इधर मुंडे की कटिंग करनी है। यहाँ हमने मुंडे की कटिंग शुरू कर दी। अब जिस तरह हमने ये बनाया ना पहले वाला हिस्सा, ऐसा बिल्कुल आपने इधर भी कर लेना। ऐसा पूरा बना लो, फिर आगे वाला हिस्सा बनाना सिखाऊंगी आपको। पहले आप इतना बना लो जितना बनाना है, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। थोड़ा सा बना के कटिंग आप 3 2 1 की कर लो, और साथ साथ में जो भी चौथी सिलाई में जो हमें गले की कटिंग करनी है, थोड़ा सा बना लो, फिर आगे दिखाती हूँ आपको क्या करना है। ये देखो इतना बन गया हमारा। अब हमने एक जहाँ से पट्टी बनानी है, बटन पट्टी, पीछे के बटन लगाएंगे, उसके लिए हमने जहाँ फंदे बनाने हैं, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ की करके उसके बाद मैंने ये बटन पट्टी की बनाई है। ये कैसे बनानी है ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमने फंदे बढ़ाने हैं, 20 फंदे हम बढ़ाएंगे। 20 फंदे हम बढ़ाएंगे 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 20 फं
जितने बंदे हमने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ये मैंने 20 फंदे बढ़ा लिए। अब हम इसको भी साथ ही बुनेंगे। इसको भी साथ साथ बुन के
इस दौरान एक इसमें बटन होल भी करेंगे हम, ऐसे थोड़ा सा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरा बना लिया। कितने डाली? 1 2 3 4 5 6, तीन। ये तीन के बाद मैंने जो बटन होल बनाया, ये देखो, बटन होल बनाने के बाद तीन ऊपर फिर डाल ली, 6 ये मैंने सिलाइयाँ डाल ली, मतलब कि 12 सिलाइयाँ हो गई हमारी। अब इसे बंद करने जा रही हूँ। देखो जितने फंदे हमने बढ़ाए थे सारे, बंद कर देंगे। ये 7 फंदे, 14 फंदे हमारे रह गए, ये हम बुन लेंगे। ये थोड़ा से हम इसके हिसाब से बना लेंगे, पूरा ऊपर पूरा कर लेंगे। पूरा करके फिर इसे हम छोड़ देंगे, हम दूसरी तरफ बनाएंगे। ये हमारा बन गया है, ये पीछे आगे वाला हिस्सा है, इसकी अब हम कटिंग डाल देंगे 3 2 1 की दोनों तरफ से। ये दोनों तरफ से कटिंग डाल के थोड़ा सा आगे बनाकर फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। थोड़ा गला बनाना फिर इसका, ये आप थोड़ा सा बनाकर आप पूरा कर लो, और इसको फिर हम कटिंग करेंगे 3 2 1 की आगे वाले हिस्से में भी, क्योंकि इसकी हमने कर ली और इसकी करनी है। दोनों की कटिंग करके फिर आगे गला की कटिंग तक आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो, ये पीछे वाला पूरा बन गया। ये देखो, जो हमने बटन पट्टी बनाई थी, और ये हमारा वी गला बना है पीछे से, ये पूरा तैयार हो गया। ऐसे हमने आगे भी बना लिया। ये देखो, आगे वाले के हमने ये कटिंग डाल दी 3 2 1 की। ये देखो, कटिंग डालने के बाद मैंने ये मैंने पूरी 28 सिलाइयाँ डाल ली हैं। 28 सिलाइयाँ डाल के अब हम ये मुंडे कटिंग करने के बाद 3 2 1 की कटिंग करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाइयाँ डाली मैंने। अब हम गले की कटिंग करेंगे। जितने हमने इसके फंदे रखे, 14 फंदे हमने रख लिए। 14 फंदे रखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब हम गले के चोर से गला बनाना हमने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये देखो मैंने पूरे फंदे बीच वाले गले में बंद कर दिए और साइड में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे रख लिए। जितने हमने इधर रखे थे उतने इधर। अब हम इसे बनाएंगे। जितना ये बनाया ना हमने इसके बराबर की कर लेंगे। इसके बराबर करके जितना हमने पीछे वाला हिस्सा बनाया ना उसके बराबर कर लेंगे। करके आपको पूरा मैं बनाकर दिखाती हूँ। फिर इसको पूरा बराबर करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखो ये पूरी बन गई। ये गला ये थलिया ये पीछे यहाँ हम बटन एक लगा देंगे। यहाँ ये मैंने सारा क्रोशे के साथ इसकी बीडिंग कर दी। ये देखो यहाँ बटन लगा कर नीचे जहाँ नीचे हम रिबन डाल देंगे। क्रोशिया कैसे करना वो आपको मैं दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है। ये देखो ए दो और तीन तीन डाल के फिर वाल दे देना वापस उसी में। ये तीन हो गए। तीन के दो फिर दो का एक फिर हमने थोड़ा सा छोड़ के जहाँ डाल देते सिंपल। फिर दो का एक एक दो और तीन बल दिया फिर इसी में डाला। तीन हो गए फिर तीन के दो फिर दो का एक फिर आपने यहाँ इतना छोड़ कर एक दो और तीन बल दिया वापस फिर उसी में। तीन हो गए दो का एक से पूरा कर लो। यहाँ बटन लगा लेना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।